राम राम दोस्तों, मेरा नाम कैलाशनाथ, गांव भवनपुरा, पोस्ट जिगना, जिला भरतपुर, राजस्थान। तो दोस्तों मैं आया हुआ हूँ इधर, कौन सा नाम ये सिंपनी गांव है, महुआ सिंपनी। तो दोस्तों सिंपनी गांव के अंदर में जैसे हमने वो सांप पकड़ा है, एक हमारे महाराज जी और संग में कहाँ गए फूली मामा, आ जाओ। तो दोस्तों रात के समय वो सांप घुसाता है। देखो ये बरसातों का समय, मैं हर वीडियो में लोगों को जागरूक के लिए, मेरे वीडियो को बनाने का माध्यम ये होता है सब लोगों के लिए कि लोगों में कुछ जानकारी पैदा हो कि भाई साहब घरों के अंदर में कोई भी कचरा नहीं रखें, कोई भेंट वगैरह दिखाई दे उसको बंद करके रखें, क्योंकि सांप वगैरह ये बने बनाए के राजा अपने हाथों से कुछ नहीं खोदते हैं। तो दोस्तों इधर बैठ के ऊपर एक बालक सोया हुआ था, कितना बड़ा आदमी था भैया, भैया 50-60 वर्ष का आदमी था, वो सो रहा था। सोते हुए दोस्तों जैसे वो दबा तो सांप के दबने के कारण से वो सांप ने उसको काट लिया और भैया वो स्वर्गवासी हो गए। तो भाई साहब मेरे सबों से निवेदन है कि आप बड़े सतर्कता से और साफ सुथरी जगह रखें और सावधानी पूर्वक रहें। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम शमशान के अंदर हैं और ये उनकी उनका दाह संस्कार हुआ है। अजय भैया ने थोड़ा सा यहीं से बना दे, इतनी जूम कर दे, एक कार्ड और इधर घुमा दे। तो भैया जी आप देख सकते हो ये सभी लोग आए हुए हैं और आप ये जो कोबरा सांप था वो ये वाला था जिस सांप ने ये काटा बना रहे। अब इन सबों के बना दे, सबकी तरफ घुमा दे, सब एक एक करके घुमा दे। आप देख सकते हो दोस्तों ये सभी लोग आए हुए हैं। ये देखो दोस्तों आप देख सकते हो ये कोबरा सांप है और इस कोबरा सांप के काटने से उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। तो ये काफी लंबा चौड़ा सांप है। तो दोस्तों ये बिना छेड़े कभी किसी को कुछ नहीं कहते हैं। तो दोस्तों आप इस सांप को गोली तरफ पड़ दिया। तो दोस्तों मैं इस सांप को एक बंद कर देता हूँ, कट्टे में रख लिया है मैंने। तो दोस्तों सबसे जो बड़ी बात है उली तरफ करवाई छोड़ो, तो ना भाई जोड़ी दो बांधने। दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य यही, देखो भगवान नहीं करे कभी किसी को काटता है तो सबसे पहले उनके हाथ पैर में जैसे कहीं भी अगर काट जाए तो सबसे पहले बांध दो उसको, जगह को फाड़ दो। फाड़ने के बाद में खून निकलेगा तो जहर भी निकलेगा और घबरा नहीं, नज़दीकी अपने और कहीं मत जाओ तो अपने जिला अस्पताल में पहुँच जाओ तो वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। हर आदमी है क्या अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करता है और किसी की मौत लिखी तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो परमात्मा के हाथ में। तो दोस्तों मेरा जो मेन उद्देश्य है वो यही है। अब इस सांप को काफ़ी लोग बहुत से कहते हैं कि इनको मार देते हैं, पर कुछ सज्जन लोग भी वो कह रहे थे कि इसको मारने से होगा क्या, धर्म धन चाहिए धर्म करो, मुक्ति चाहिए भजन करो, जीवन चाहिए तो किसी की सहायता करो। अच्छा दोस्तों मेरा काम अच्छा लगा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भोले बाबा की जय, श्री राम।